लाडवा से पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन का पालन खुद भी कर रहे हैं और हलके के सभी कार्यकर्ताओं को लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। आज लॉकडाउन के दौरान पूर्व विधायक पवन सैनी ने रसोई घर को संभाला और दोपहर का भोजन खुद बनाया। पवन सैनी ने बताया कि आज उन्होंने दोपहर में आलू गाजर गोभी की मिक्स सब्जी बनाई और सिंपल चपाती बनाकर अपने पुत्र शिवांग संग भोजन का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि घरों में रहकर हम सबको सरकार के आदेशों की पालना करनी चाहिए ताकि कोरोना वायरस की बीमारी से लड़ा जा सके। सर, लॉकडाउन के कारण जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो वैश्विक बीमारी कोरोना है, इसको हम घरों में रहकर ही इसके चक्र को हम तोड़ सकते हैं। अगर हम लॉकडाउन को सफल मनाएंगे और सफल बना करके घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो इस कोरोना को, वायरस को हम लोग हरा सकते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जो क्योंकि लंबा अंतराल है, 21 दिन का लॉकडाउन है, आगे भी ऐसी संभावना हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं सभी लोगों से, बच्चों से, जो नौजवानों से, बुजुर्गों से ही कहना चाहूंगा, इन छुट्टियों के दिनों को हम अपने जीवन की स्मृतियां बनाएं, अपने यादगार पल बनाएं। हम लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जो क्रांतिकारी वीर जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, ऐसी उनकी वीर गाथाओं को हम लोग पढ़ सकते हैं। हम लोग जो है ना, मनोरंजन के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग सीख सकते हैं, घरेलू नुस्खे जैसे सीख सकते हैं हम लोग, और जो जो हमारी रुचिकर कोई गेम है, कोई कैरम का है, चेस का है, कुछ हम, मैं कहना चाहता हूँ इन छुट्टियों के दिनों में बच्चे जहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करें ध्यान से, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ मतलब इस प्रकार के, जैसे मैंने कहा, धार्मिक ग्रंथ पढ़ करके, धार्मिक पुस्तकें और मनोरंजन के जो हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग उनसे सीख सकते हैं, और योग, आसन, प्राणायाम, घरेलू नुस्खे, ये सारे हम लोग समय का सदुपयोग करके इनको स्मृतियां बनाए जिससे यादगार पल बने। ना तो समय बिताने के अंदर कोई समस्या आएगी और आपका ज्ञान का भंडार भी बढ़ेगा, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। और अपने घर के अंदर YouTube पे देख करके या कुछ ऐसी पुस्तकें आपके पास होंगी, रसोई के अंदर भी आप लोग सीख सकते हो, समय अगर मिलता, क्योंकि वैसे तो समय नहीं मिलता, तो भोजन कैसे बनता है, चावल है, कोई दाल सब्जी है या चपाती है, यानी कि ऐसे समय का हम लोग सदुपयोग कर सकते हैं, और मनचाहा व्यंजन भी हम YouTube पे देख करके हम लोग बना सकते हैं, उसका आनंद हम लोग ले सकते हैं।